दीपक सिंह, दीपक पाल, वेरी गुड आफ्टरनून। राहुल गुप्ता, राहुल गुप्ता लिंक भेज दीजिए 11th में। राहुल, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम नाउ, बाय नाउ रंगास मैरिज वी आर गोइंग टू स्टडी। हाउ मेनी पैसेज हैज बीन कंप्लीटेड? Anybody, Rohit Yadav, very good afternoon, Samriddhi, Randas Maris, Masti Vekadesa, Inginda, previous period Priya Satyam Raj
priceless commodity. I think from here we have to study. It has been completed. Shashank Dubey, Anjali Tiwari, Sumit. तो हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट वाज गोइंग ऑन. आई थिंक इट हैज बीन कंप्लीटेड. सीइंग सो मैनी पीपल रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. Thank God, it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The janeu." क्या था ये थ्रेड होली थ्रेड सेक्रेट थ्रेड इज स्टिल देयर. ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट. रंगा लाफ्ड. आई थिंक दिस पैसेज हैज बीन कंप्लीटेड. Once they realized that Ranga still had the same hands, a hand bhi change ho jate hain kya? Kya kehta hai? Once they realized, they is pronoun here. What is the noun of they? Anybody can tell me? Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose. The crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. Melted away means disappeared, गायब हो जाना. संजना मिश्रा. तो इसमें भी क्या बात थी, उन लोगों ने क्या कहा, उन्हें उन लोगों के एहसास हो गया कि रंगा के हाथ पैर आँख नाक वैसी की वैसी हैं. मतलब शहर में पढ़ने जाने पर आँख नाक कान गला ये सब चेंज हो जाता है क्या? मतलब ऐसी भी सोच थी क्या उन लोगों की? आँखें नाक अभी भी वैसी हैं. भीड़ उसी तरह से ख़त्म हो गई जब ये सब चेक कर लिया. मिस विलेजर्स ने देख लिया कि अरे भाई कुछ चेंज नहीं आया. मतलब उन लोगों ने फिजिकली भी चेंज देखना चाहा. मेंटली तो कल्चर में इटिकेट में मैनर में सैक्रामेंट में वो तो चेंज देख ही रहे थे, देखने ही चाह रहे थे. मिस यहाँ पर तो आतर ये भी कह रहा है कि विलेजर्स आर ट्राइंग टू चेक द विलेजर्स चेक्ड नॉट ट्राइंग द विलेजर्स चेक्ड रंगास फिजिकली पार फिजिकली मिस रंगा को मिस दे चेक्ड नॉट ओनली nose, hand, eyes, leg, miss, but also the entire body. तो miss crowd उसी तरह से disappear हो गई. Crowd has been disappeared from this spot as जिस प्रकार से बच्चे के मुँह में जो lollipop होता है या चीनी जाते ही या घुल जाते हैं, चीनी जाते ही घुल जाती है. और बच्चे के मुँह में जाने से क्या किसी के मुँह में भी जाएगी, चीनी घुल जाएगी, है ना. तो मिस उस तरह से जैसे कि पानी में सर यहाँ तो मुंह माउथ है, माउथ का यूज किया गया है. माउथ में चीनी जाने से ही आकृत विहीन हो जाती है, मतलब घुल जाती है, मेल्ट हो जाती है. ठीक उसी प्रकार से वहाँ जो क्राउड थी वो भी मेल्ट हो गई. मेल्ट यहाँ पर
मेल्ट का सेंस क्या है, डिसअपीयर हो जाना। तानेर वेरी तो मिस अटेंडेंस हु इज टेकिंग राहुल गुप्ता, यू विल टेक अटेंडेंस ऑफ इलेवेंथ ए मनु, इलेवेंथ बी। लंप ऑफ शुगर, लंप ऑफ शुगर मीन्स जस्ट आई टोल्ड यू दैट इज शेपलेस मास। लंप ऑफ शुगर मीन्स अ शेपलेस मास। Shapeless mass. Okay. And 11C, who will take the one who Vansita Jaiswal is present or not? नेक्स्ट है लंप ऑफ शुगर, क्लियर हो गया है शेपलेस मास। नेक्स्ट वन इज आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, आथर कंटिन्यू टू रिमेन देयर, आथर वहीं पे खड़ा रहा। आगे क्या है, कंटिन्यू टू स्टैंड देयर अनटिल एवरीवन हैड गॉन। I asked, how are you, Rangappa? Miss, हर कोई जब वहाँ से चला गया, Miss, everyone has gone from that place. Arthur remained standing there. Miss, after going, everyone from that place, the Arthur asked Rangappa, how are you? क्या पूछा, हाउ आर यू, ओके आप कैसे हैं, इज एवरीथिंग विद वेल विद यू, मीन्स एवरीथिंग इज ओके विद यू, एवरीथिंग इज ओके विद यू। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। इट वॉज ओनली देन, उसके बाद में रंगा ने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, ध्यानपूर्वक देखा, जो अलग आईडी से आए हैं वो अपना नाम लिख देंगे, कुछ सेपरेट आईडी से आए हैं, टुडे इज वेरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट। वो मेरे पास आया, ही केम नियर मी एंड did a नमस्कारा, मतलब जस्ट ही पेड कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिगार्ड्स रेस्पेक्टफुली सेइंग दैट आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद है, बोलते हैं ना मिस मैं सकुशल हूँ आपके आशीर्वाद से, तो मिस आई एम क्वाइट वेल विद योर ब्लेसिंग एंड विशिंग, विद योर ब्लेसिंग एंड विशिंग। I must draw your attention to this respect of Ranga's character. I must draw. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assist people's work. Miss, इस तरह से आथर क्या करवाना चाहता है? Miss, आथर इस trying to draw your attention, author is trying to draw your attention about the Ranga's character and etiquette.
उसके जो करेक्टर और कंडक्ट के विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि उसका क्या करेक्टर है, क्या कंडक्ट है, उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं आया। ओके, एज फॉर से नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन स्टैंडिंग स्टिप लाइक ए पोल without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. मतलब इस तरह से नमस्कार नहीं किया कि बिल्कुल एक एक तरह से स्टिक की तरह से खड़ा रहा हो। नमस्कार करने का मतलब क्या है? टू टच फीट, झुकना, बेंडिंग, है ना, एक विनम्रता का सिंबल है ना। डोसाइल थे, उसमें हम्बलनेस थी, उसमें विनम्रता, पोलाइटनेस थी। तो मतलब आथर मेक्स क्लियर हियर दैट मिस नमस्कार जो कॉम्प्लीमेंट्स जो रिगार्ड वो दे रहा था, नमस्कार करने का तरीका ये नहीं है जस्ट ही वॉज स्टैंडिंग लाइक ए स्टिक आर पिलर आर पोल, है ना। मिस उस कोई मतलब मोमेंट नहीं है, लचक नहीं है, विनम्रता नहीं, मतलब झुक नहीं रहा, ऐसा नहीं है। उसका जो कॉम्प्लीमेंट्स था, है ना, उसका जो नमस्कार कहने का जो तरीका था, मैनर था, एटिकेट था, उसमें हम्बलनेस थी, उसमें सेंस था, है ना, उसमें उसमें एटिकेट और कल्चर दिख रहा था। मतलब स्टेंटली लाइक ए पिलर और पोल की तरह से खड़ा रहा उसने एक तरह से। आथर वांट्स टू क्लियर हियर दैट ही बाय बेंडिंग ही टच्ड हिज फीट, मतलब बाय बेंडिंग झुक करके उसने आशीर्वाद लिया। Nor did he merely hold his hands, he bent low to touch my feet, है ना। मीन्स ये नहीं कि जस्ट ही ज्वाइंट ओनली फोल्ड हिज हैंड, फोल्ड हिज हैंड मतलब ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार कहना। मीन्स ही डिड नॉट पे नमस्कार आर कॉम्प्लीमेंट्स बाई फोल्डिंग हिज हैंड्स, बट ही टच हिज फीट by bending his body, मतलब वो झुक करके उसने प्रणाम किया, ऐसे नहीं हाथ को फोल्ड करके नमस्कार नहीं बोला, ठीक है ना। May you get married soon, I said blessing him, मैंने उसको आशीर्वाद देते हुए क्या कहा, ईश्वर की कृपा से उसको आशीर्वाद जो मिला वो शादी का आशीर्वाद मिला आर्थर के द्वारा, या आपकी शादी शीघ्र हो जाए। आप लोगों को आशीर्वाद किस रूप में चाहिए? कि आपको जॉब अच्छी से मिल जाए, आप प्रोग्रेस करें, डेवलप करें, है ना, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना पसंद करेंगे ना। ब्लेसिंग और विशिंग किस रूप में लेना पसंद करेंगे? यदि आप किसी के पैर छू रहे हैं, अपने पेरेंट्स और एल्डर्स या टीचर्स के, तो आशीर्वाद कौन सा लेना पसंद करेंगे, जो आथर दे रहा है या जो मैं कह रहा हूँ? पढ़ाई अच्छी करें, और जो मैं कह रहा हूँ वो वाला, या जो आथर कह रहा है वो वाला, किस तरह के आशीर्वाद चाहिए आपको सक्सेस का, कुछ बनने का, कुछ लाइफ में अचीव करने का, है ना। शादी करने का तो कोई नहीं मांग रहा आशीर्वाद, कोई शादी वाला तो आशीर्वाद नहीं लेना चाह रहा है, जो आथर दे रहा है। ओके, मिस आई थिंक दैट मैनी स्टूडेंट्स, मैनी आर नॉट, मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे वुड लाइक टू गेट द ब्लेसिंग एंड विशिंग मिस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ इन फ्यूचर। ओके, दैट इज वेल। After exchanging a few pleasantries, I left him. Miss Arthur is also exchanging the talks. The Arthur is exchanging the talk very pleasantly. The joke बड़े अंदाज में है ना, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उसके बाद दोनों वहाँ से चल दिए। वहाँ मैं लौट आया, Arthur returned, कहता है कि मैं उस स्थान से लौट आया
अपने घर आ गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, उसी दोपहर बाद जब आर्थर वाज टेकिंग रेस्ट रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। कहते हैं कि रंगा मेरे घर आया और कुछ लेके आया। क्या लेके आया? What fetched? रंगा fetched some articles, कुछ लेकर के वो आया। आर्थर कहता है जब मैं रेस्ट कर रहा था तो रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अपने हाथ में दो ऑरेंज लिए लेकर के आया। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, कंसिडरेट डू यू नो, थॉटफुल विचारवान, कंसिडरेट मींस थॉटफुल। कंसिडरेट मींस थॉटफुल, विचारवान, विचार करते हुए। तो मींस कंसिडरेट फेलो, ए जनरस एंड कंसिडरेट फेलो। बड़ा उदार और दयालु, एक उदार और दयालु व्यक्ति, एक उदार और दयालु। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी आई थॉट। दिस इज द गुड थिंग, ये अच्छी बात होती। ये दिस इज द गुड थिंग, क्या इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, वो शादी करता और शादी नहीं करता, सेटल डाउन एंड बी आप सर्विस टू सोसाइटी, सेटल हो जाता और समाज की सेवा करता। आई थॉट, मेरे विचार में। फॉर ए व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, और इधर उधर की कुछ बातें की कुछ देर तक। मिस आर्थर और रंगा, मिस दे एक्सचेंज देयर नोशंस, आइडियाज एंड थॉट्स फॉर सम टाइम, उस समय के लिए उन दोनों लोगों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। ठीक है, देन आई केम टू द पॉइंट, मैं फिर एक बिंदु पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, मिस शादी करने की क्या योजना है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। उसने कहा कि मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ। सीधी सी बात है, जो अभी मिस दे आर, जो एडल्ट, जो यंगस्टर्स या टीन एजर के हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अभी शादी कर लेंगे तो उनके क्या स्ट्रगल रुक जाएगा ना, एडामेंट हो जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, उसने क्लियर कर दिया अभी मैं शादी करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? आर्थर कहता वाई नॉट, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। कहता है कि मुझे सही लड़की की तलाश है। कौन कहता है? हु सेड सो, हु सेड सो? कुछ अटेंडेंस लगवा के चले गए सब लोग। हु सेड सो, मुझे सही लड़की की तलाश है। हु सेड टू होम? नाउ टेल। रंगा सेड टू, रंगप्पा सेड टू, हु सेड टू होम? किसने किससे कहा? रंगा ने कहा, किससे कहा? आर्थर, यस। आई नीड टू, मिस कैन यू टेल मी दैट हु इज द नरेटर एंड द नेम ऑफ नरेटर? श्यामा द नरेटर, वंशिका रेस्वाल, यस। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ नरेटर?
Rahul, have you sent a link to 11th class? Shyama. Not Shyam, but Shyama. Yes. Okay. उसने कहा कि इज अबाउट आई नो एन ऑफिसर हु गॉट, मैं उस अधिकारी को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ्स एगो, मैं उस ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई. इज अबाउट 30, वो लगभग कितने का है? वो जो ऑफिसर जिसकी शादी हुई है वो कितने साल का है? 30 साल का है. एंड हिज वाइफ इज 25, उसकी पत्नी कितने वर्ष की है? एंड हिज वाइफ इज 25, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया. आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया. They will be able to talk lovingly to each other. They will be. Miss, I am told, वे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करने में सक्षम थे. Miss, they were talking to each other lovingly. But let us say, I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. यहाँ पर I का noun क्या है? यहाँ कोई बता सकता है? Who is I here? यहाँ पर I का noun क्या है? आई किसके लिए यूज हुआ है? आई का यूज किसके लिए हुआ? लेट अस से, मुझे बोलने दो. आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, ये आई किसके लिए हुआ है? रंगा के लिए. रंगा ने तो भी शादी नहीं की. आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, रंगा के लिए है. आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there. I कौन है? रंगप्पा के लिए. Yes. कहता है कि कहता है लेट अस स्पीक, मैंने एक युवा लड़की से शादी की थी. उसने जो मेरे लविंगली लव वर्ड्स को एंगर वर्ड्स के रूप में लिया, इसका मतलब क्या है? कि उसकी जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेच्योरिटी थी, मीन्स शी इज नॉट मेच्योर इन माइंड, नॉट ओनली माइंड बट ऑल्सो फिजिकल एंड मेंटल. It means there is a great problem to exchange the thoughts each other. If we are not mature, it's now means if there is no maturity of the couple, then there is a great problem to understand the feelings as well as exchange the thoughts of love. Okay. Recently, a trip in Bangalore. कहता है कि हाल ही में शकुंतला नाटक का बेंगलोर में मंचन किया गया. यदि शकुंतला वर्तमान दुल्हनों की तरह युवा होती तो दुष्यंत के प्रेम तो जो हाँ यस तुम इस जो स्टोरी है शकुंतला और दुष्यंत की, आप लोगों ने सुना होगा कुछ. Have you heard the story of Shakuntala and Dushyant? Suniye? Yes or no? Have you heard the story? Have you heard the story of Shakuntala and Dushyant?
immature, no maturity, if she were young. कहता है कि देश जो वहाँ पर स्टेज पर नाटक का प्ले हुआ वो कौन सा नाटक था, विच अ ट्रू इज स्टेज्ड शकुंतला और दुष्यंत। कहता है कि देश नो क्वेश्चन, आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, यदि शकुंतला वर्तमान ब्राइड्स की तरह युवा होती, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, यदि सी के साथ में वर का यूज हुआ है, सी के साथ में कौन सा, इफ सी वर यंग, यदि वो जो है आज की प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यंग होती तो दुष्यंत उससे प्रेम करने, प्रेम न करता या प्रेम न करने लगता, कुछ ऐसे ही है। फिर उसके बाद में क्या होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, और यदि ये पहला ये स्टोरी ना होती तो कालिदास के शाकुंतलम प्ले का क्या होता, नाटक का क्या होता, नाटक का क्या होता, नाटक होता ना होता। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर। तो कहते हैं कि यदि आप, मतलब इसका क्या मतलब है, यदि कोई शादी करता है तो लड़की की मैच्योरिटी मस्ट है, केवल लड़की की नहीं, तो मैच्योरिटी ऑफ बोथ, नॉट ओनली ब्राइड बट आल्सो ब्राइड ग्रूम मस्ट बी मैच्योर। उसका मतलब कहने का है मैच्योरिटी मस्ट है, शादी के लिए मैरिज के लिए मैच्योरिटी मस्ट है, बिना मैच्योरिटी के, पहले क्या था, चिल्ड्रन मैरिज होती थी, मिस बोथ आर नॉट मैच्योर, नॉट ओनली दे आर नॉट ओनली मैच्योर इन माइंड, मिस माइंड और बॉडी से मैच्योर नहीं होते थे और शादी कर दी जाती थी। यही तो कर्ज था सोसाइटी का, दैट वॉज कर्ज ऑफ द सोसाइटी, है ना, इसको चिल्ड्रन मैरिज की तरह से देखा जाता था, है ना, कहीं कुछ ऐसे ही इसमें बताया जा रहा है। तो मिस नाउ इफ वन गेट्स, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। उसमें अन्यथा क्या है, अन्यथा एक मिस मैच्योरिटी यदि ना हो तो कुंवारे रह जाना सही है, यही कारण है, दैट्स वाई मिस रंगा क्या कहता है, रंगा कहता है दैट्स वाई, यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ, मिस अभी शादी नहीं करना, कोई शादी का प्लान नहीं है, कोई मैरिज का प्लान नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, ही सेड आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इज देयर एनी अदर रीजन। कहता है क्या कोई और अन्य कारण है, जो एल्डर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जब सन या डॉटर लड़के लड़की शादी करने से मना करते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, वो लोग ये भी पूछते हैं कोई और कारण है क्या, इज देयर एनी अदर रीजन व्हाई आर यू नॉट गेटिंग मैरिड, इज देयर एनी अदर रीजन, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, वट वी मिस कहते, एक व्यक्ति को उस लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वो सराहना करता हो। अब इसका सेंस क्या है, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल, ए मैन शुड मैरी गर्ल ही एडमायर्स, जिसकी वो सराहना या प्रशंसा करता हो उसी से शादी करनी चाहिए। वट डू अंडरस्टैंड बाई दिस लाइन, बाई दिस लाइन, इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है, उस लड़की से शादी करनी चाहिए इसकी वो सराहना करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, लेकिन जो भी है, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज,
तो हमारे यहाँ की चलन क्या है, हमारे यहाँ का कस्टम क्या है, हमारे व्हाट इज द कस्टम ऑफ मैरिज इन द सोसाइटी, इन अवर सोसाइटी, हमारे यहाँ की सोसाइटी का शादी का कस्टम क्या है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, बताइए व्हाट इज द कस्टम ऑफ विश्व, हमारे यहाँ की कस्टम क्या है अरेंज मैरिज। यस, सभी लोगों का यही विचार है। किसी का लव मैरिज का तो नहीं है। विदाउट हेसिटेशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी का वो अरेंज मैरिज, लेकिन यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूँ कि वास्तव में सोसाइटी का कल्चर क्या है, व्हाट इज द कल्चर एंड कस्टम ऑफ द सोसाइटी रिलेटेड मिस रिलेटिंग मैरिज। तो हमारे यहाँ की सोसाइटी का जो कल्चर है, कस्टम है, वो अरेंज मैरिज का है, अरेंज मैरिज का है ना। यदि लव भी है तो भी हम उसको अरेंज ही करते हैं, है ना, लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यही होता है ना, होना भी चाहिए, अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, है ना। क्विज, हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद विटनेस ऑन द अदर आर सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो लो टू बाइट आवर फिंगर्स। क्या कहता है, कहता है कि ये दिन जो भी है, कोई लड़की की सराहना कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है जब एक तरफ उसके पर दूध के धब्बे लगे हों, दूसरी तरफ गीलापन, अथवा इतनी युवा हो कि उसे अपनी जस्ट इट मीन्स क्या है, ये क्या कहना चाहता है, बाई सेइंग दीज वर्ड्स रंगा वॉन्ट्स टू क्लियर हिज इमोशंस दैट इफ द गर्ल इज सो इमेच्योर, यदि वो अभी सलीका नहीं सीख पाई है, यदि गर्ल इतनी मेच्योर है तो क्या सी इज डिजर्विंग फॉर मैरिज, क्या वो शादी करने के लायक है, क्या ऐसी लड़की की शादी कर देनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसी क्या शादी करनी चाहिए, इतनी इमेच्योरिटी में शादी कर देनी चाहिए, इसको अपने को ठीक से तरीके से रखने में अभी सलीका नहीं पता है, मिल्क स्टेन्स है वन साइड, अदर साइड वेटनेस है, सो यंग शी डज नॉट इवन नो, मीन्स उसको भी ये ज्ञान नहीं है हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, फिंगर्स को काटना, फिंगर्स मीन्स जैसे नहीं बाइट, नेल बाइटिंग कुछ लोग करते हैं, तो मीन्स दीज थिंग्स shows that the girl is immature and according to Ranga wants to clear here that means marriage should not be immature here or couple and in immature pair mein shaadi nahi honi chahiye, one a neem fruit, the other a bitter gourd। ek kahawat suni hogi na, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, एक और नीम का फल, दूसरी ओर करेला, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, गांव में फेमस है कहावत, सुना है, हैव यू हर्ड दिस सेइंग, दिस विलेज सेइंग, वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉर्ड, एग्जैक्टली रंगा सेड लॉफिंग, मिस एग्जैक्टली ठीक यही बात, रंगा हंसते हुए कहता है आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। आथर कहते मैं परेशान था, मिस आई वॉज डिस्ट्रेस, हु वॉज डिस्ट्रेस, I was distressed to who was distressed? Answer,
stays. Who was distressed? Arthur was distressed. Shyama was distressed. Okay. Miss, I was distressed. That. The boy. Miss, boy के पहले दा लगा है, miss, इसका मतलब वही लड़का. और ये who क्या relative pronoun है? The boy. Who, जो I thought would make a good husband. Arthur कहता है, जिस लड़के के विषय में मैंने विचार किया था, एक अच्छा पति बन सकता है. Miss, he has a quality to become a good husband. Had decided to remain a bachelor. उसने तो bachelor रहने का फैसला कर लिया. Had decided कर लिया था. After chatting for a little longer, कुछ chatting. Miss क्या है? Talking to each other. कुछ समय तक आपस में रंगा conversation is going on between रंगा एंड आर्थर श्यामा. उसके बाद में रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन. कहता है ठीक उसी समय मैंने अपना माइंड मेकअप किया. क्या माइंड मेकअप? मिस, हु मेड अप हिज माइंड? आर्थर. द आर्थर मेड अप हिज माइंड क्या? दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. क्या उसने माइंड मेकअप किया? उसने क्या माइंड मेकअप? मैं उसकी शादी कराऊंगा पक्का, है ना? आर्थर ने माइंड मेकअप क्या किया? मैं उसकी शादी कराऊंगा, बच नहीं सकता. आर्थर कहता है कि मैं उसकी शादी कराऊंगा. रामा राउस नीस ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विद हिम. रामा राव की नीस मीन्स क्या होता है? Do you know the meaning of niece here? Rama Rao ki 11 वर्ष 11 years एक सुंदर भतीजी थी जो उसके साथ ठहरने के लिए आई. किसके साथ रुकने के लिए आई? Rama Rao's niece A pretty girl of 11 had come to stay with him. ये him किसके लिए? बता सकते हैं? भतीजी, niece, miss, भतीजी, yes. She was from a big town. She came from a big town, एक बड़े कस्बे से आई हुई थी. बिग टाउन जैसे नहीं, विलेज, टाउन एंड सिटी, है ना? तो एक तरह से बिग टाउन से वो आई हुई थी जो भतीजी थी. सो शी न्यू हाउ टू प्ले विद द वीणा एंड द हारमोनियम. मीन्स शी इज एबल टू प्ले नॉट ओनली वीणा बट ऑल्सो हारमोनियम. It means she knows, she has good knowledge in music. उसे music का भी knowledge था. Okay. She also had a sweet voice. और वो singing भी करती थी, उसकी आवाज़ भी बड़ी मधुर थी. Means she has a sweet voice. उसकी बड़ी मधुर आवाज़ थी. Both her parents had died. And her uncle had brought her home. उसके जो parents थे उनकी death हो गई थी. Means her parents have gone away forever from this world. और उनके अंकल वो उसे यहाँ लेकर के आ गए थे.
Ranga was just the boy for her, and she the most suitable bride for him. उसका मानना था कि रंगा उसके लिए बेस्ट रहेगा, उस लड़की के लिए रंगा बेस्ट रहेगा, और वो लड़की ये एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो लड़की मिस उसके लिए भी एक बेस्ट ब्राइड रहेगी. ये कौन सब सोच रहा है? हु इज पांडरिंग एंड प्लानिंग, हु इज पांडरिंग एंड प्लानिंग. Pondering means narrator is planning, yes. Shyama is planning and pondering. उसके लिए since Sai was a frequent visitor to Raipia Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was. कहता है कि तब से since I was a frequent visitor to Rama Rao's house, कहता है मैं अक्सर रामा राउस के घर जाने लगा. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, और वो लड़की मुझसे बिल्कुल खुल गई, घुल मिल गई. कौन जाने लगा, किसके यहाँ जाने लगा, कौन और किसके यहाँ जाने लगा, और कौन घुल मिल गया, कौन जाने लगा और किसके यहाँ जाने लगा. कौन जाने लगा, किसके यहाँ जाने लगा. आथर नरेटर टू रामा राव, और कौन घुल मिल गया, मिस हु बिकेम वेरी नियर एंड डियर. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम. मैं आई अटर्ली फॉरगॉट, अटर्ली मीन्स पूर्ण रूप से, मैं बिल्कुल भूल गया उसका नाम पूछना, नाम बताना. आई फॉरगॉट टू मेंशन, नाम बताना मैं भूल गया. नाम क्या था, व्हाट वाज हर नेम. द नेम वाज हर नेम वाज रत्ना. इट वाज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड राफियर हाउस वाइफ रामा राउस वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट. बटर मिल्क, बटर मिल्क डू यू नो. बटर मिल्क मीन्स क्या होता है, बटर मिल्क मिस क्या होता है, बटर मिल्क. अगली नेक्स्ट सुबह जब वो गया, मैं उसके घर गया, मट्ठा नहीं लस्सी, वे मिस मट्ठा होता है, पता है, W H E Y, मीन्स मट्ठा होता है, बटर मिल्क मीन्स लस्सी होता है. लस्सी क्या होता है, लस्सी, है ना. तो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड राउस वाइफ, और मैं अगली सुबह जब उनके राव के घर गया, तो उनके राव की पत्नी से मैंने कहा, क्या कहा, कि आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए लस्सी लेकर के आया हूँ. Ask Ratna to fetch it.
और किसने ये लाने के लिए कहा था? फेच, फेच मीन्स ब्रिंग। ये लस्सी लाने के लिए किसने कहा था? हु सेड टू फेच लस, हु सेड टू फेच बटर मिल्क, बटर में मिल्क लाने के लिए किसने कहा था? रत्ना ने कहा था। रत्ना केम, रत्ना आई, इट वॉज ए फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स इट वॉज ए फ्राइडे, फ्राइडे था। सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, एक अच्छी सी सुंदर है। शी पुट ऑन ए वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, साड़ी पता है ना। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, आई आस्क्ड हिम टू सिट नियर हिम इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। द ऑथर रिक्वेस्टेड रत्ना, किस बात के लिए रिक्वेस्ट किया? टू सिंग ए सॉन्ग। ऑथर रिक्वेस्टेड रत्ना फॉर व्हाट, फॉर वाई टू सिंगिंग ए सॉन्ग। टू सिंग ए सॉन्ग आई सेंट फॉर रंगा, और जब वो उसने रंगा को भी बुला लिया था, उसने जो है इसने हु कॉल फॉर रंगा, रंगा को भी बुला लिया था। While she was singing the song, जब वो गीत गा रही थी, जब रत्ना गीत गा रही थी, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कृष्णमूर्ति मेरे आंखों के सामने था। रंगा रीच्ड द डोर, रंगा जो है दरवाजे के पास पहुंचा, क्योंकि उसको भी बुलाया गया, बुला लिया था। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स पता क्या होता है? थ्रेशोल्ड। वेरी गुड आफ्टरनून राजेश। हाँ, थ्रेशोल्ड मीन्स जानते हो क्या होता है? दहलीज। जैसे कि आपके घर के, अब तो पहले पुराने घर थे, जिसके गांव में घर होंगे, तो जो दहलीज होती है ना, वहाँ पर वो रुक गया, मतलब दरवाजे के पास रुक गया। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, शहर में रहने वाले हो, तो जो विलेज से बिलोंग होंगे तो उनके यहाँ वो होती है दहलीज, थ्रेशोल्ड, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो रंगा स्टॉप्ड थ्रेशोल्ड, रंगा जो है थ्रेशोल्ड के पास रुक गया, दरवाजे के पास रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो गीत जो चल रहा था, लिमिट नहीं, जो मिस अ सॉन्ग इज गोइंग ऑन, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रत्ना, उसको स्टॉप नहीं करना चाहता था, है ना, इसलिए वो थ्रेशोल्ड के पास ही रुक गया। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, आवाज़ सुन रहा था ना, गीत सुन रहा था थ्रेशोल्ड के पास रुक करके। हु इज लिसनिंग वेरी स्वीट म्यूजिक स्टेइंग एट द थ्रेशोल्ड, कौन थ्रेशोल्ड के पास रुक करके गीत सुन रहा था? हु इज लिसनिंग वेरी स्वीट सॉन्ग, हु इज लिसनिंग वेरी स्वीट सॉन्ग स्टेइंग एट द थ्रेशोल्ड, यस रंगप्पा, एंड नाउ ही इज वेरी क्यूरियस, and he is very curious and eager to see the singer. वो जो मधुर गीत सुन रहा था, लेकिन उसके साथ साथ में क्या था कि वो सिंगर को भी देखना चाहता था। He wants to meet the singer also. Okay? वो सिंगर से भी मिलना चाहता था। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़ी सावधानी से उसने अंदर, पीप मीन्स होता है झांकना,
मतलब जैसे नहीं, मतलब विंडो से झांकना पीप होता है, दरवाजे से सब को आगे ले जा करके झांकना, ही पीप डिड, वो अंदर झांका, द लाइट कमिंग, लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, जो लाइट रूम से आ रही थी वो ब्लॉक हो गई थी। रत्ना लुक्ड अप and seeing a stranger there abruptly stopped। कमरे से जो रोशनी आ रही थी वो कम हो गई क्योंकि रत्ना ने अंदर देखा और वहां एक अजनबी को देखकर, एक स्ट्रेंज पर्सन को देखकर abruptly अचानक उसने अपने 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 साउंड को स्टॉप कर दिया। रत्ना स्टॉप द सिंगिंग सीइंग द स्ट्रेंज पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द थ्रेशहोल्ड। Yes. Okay. Now clear till here. यहाँ तक clear. Okay. Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly. You eat slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. कहता है कि अच्छा, आप लोगों ने हैव यू ईटन मैंगो आप लोगों ने मैंगो खाया है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, नाउ इमेजिन हियर दैट यू परचेज्ड बेस्ट क्वालिटी मैंगो। इस पैसेज को समझिएगा। Yes, okay, very good. Suppose you purchased the best quality mango. You eat it slowly. आप उस मैंगो को बड़े आनंद लेते हुए खा रहे हैं, savoring its peel, testing its skin, छिलके का स्वाद ले रहे हैं, savoring its peel, छिलके के भी स्वाद ले रहे हैं, before biting into the juicy flesh, है ना? मिस जूसी जो फ्लेश होता है, मतलब छिलका उतारने के बाद में उसके अंदर जो जो बचता है वो क्या बचता है, जूसी फ्लेश बचता है ना। कहते हैं उसको खाने के पहले आप छिलका जो निकालते हैं उसका भी टेस्ट लेते हैं। मैनी माउथ वाटर्ड, कई लोगों के मुंह में तो पानी आ गया लग रहा है ना। You do not want to waste any part of it. मतलब जो अच्छा सा आम होता है उसका कोई भी पार्ट आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हर पार्ट का, छिलके का भी, जूसी फ्लेश का भी, है ना, पूरा आनंद लेना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, सपोज़ एक बाइट आप जूसी फ्लेश लिया, खाया, टेस्ट किया, आनंद लिया, है ना, बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और दूसरा बाइट आप काटने वाले थे, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स, उसी समय आपके हाथ से आम फिसल जाए, नीचे गिर जाए, तब क्या होगा, स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। बिफोर टेकिंग द सेकेंड बाइट, मिस योर टेस्टी एंड जूसी mango slip from your hands and falls upon the
ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाए, हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करोगे, ये अनुभव कैसा रहेगा, हाउ डू यू फील, फीलिंग सैड, कैसा महसूस करोगे। रंगास फेस शोड द सेम, रंगा का भी चेहरा ठीक उसी तरीके से था, क्या डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, मींस ही इज टेकिंग एक्सटेसी एंड प्लेजर, वो बड़ा आनंद ले रहा था, किस चीज़ का, जो सिंगिंग इज गोइंग ऑन, जो गाना चल रहा था, है ना, जो गीत चल रहा था उसका आनंद ले रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आए सुने जी पीप्ड इनसाइड द हाउस, जैसे ही उसने जो है अंदर झांका, मिस रत्ना न्यू, रत्ना सा ए स्ट्रेंज पर्सन एंड स्टॉप सिंगिंग, है ना, तो मिस उसी फिसले हुए आम की तरह से, है ना, महसूस कर रहा है, कहता है कि वो बड़ा डिसअपॉइंट होता है जैसे ही गाना बंद हो जाता है, गीत बंद हो जाता है तो वो बड़ा सैड महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, है ना, सैडनेस, ध्रुव कुमार गए भैंस पानी में, मतलब आजकल हिंदी के एडियम से याद करो बेटा, इंग्लिश की याद करने चाहिए, इंग्लिश की याद करो, है ना, तुम इस वो ऐसा डिप्रेस होता है, निराश हो जाता है। यू सेंट फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर, उसके बाद आपने मुझे बुला भेजा था, जैसे ही वो अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया, किसने कहा आपने मुझे बुलाया था, आपने मुझे बुला भेजा था, किसने कहा, हु सेट टू हूम, हु सेट टू हूम, यू सेंट फॉर मी, यू सेंट फॉर मी, यू सेंट फॉर मी, तुमने मुझे बुला भेजा था, ही आस्क्ड, उसने कहा, एज ही केम इन, जैसे ही वो अंदर आया, एंड सैट ऑन ए चेयर, और चेयर पर बैठ गया, हु सेट टू होम, यू सेंट फॉर यू, रंगप्पा, रंगप्पा, ये कहा उसने। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पर वो खड़ी थी, हर हेड बेंडिंग हर हेड, रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, इस रंगा जो है फिर से आंखें मिली, एक बार ही लुक्ड, वो जो है ही लुक्ड मेरी, ही लुक्ड, उसने इसको देखा, He looked very embarrassed. No one spoke for a long while. कुछ समय के लिए तो कोई नहीं बोला मेरी। अब रंगा बोलता है, मेरे आने से जो कहता है, It was my coming. क्या तो अब मुझे जाने दो। Words may not make. साथी ने कहा, फेलो फेलो, द फेलो सेड, मित्र ने कहा, ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, वो अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्या है, ही वुड लीव, तान्या राहुल, ये क्या है, ये सिंबल का अर्थ मुझे समझ नहीं आता है भाई, व्हाट हैपेंड विद यू, व्हाट इज द इंडिकेशन of these symbols, Sanchita, Sasang Dubey, what is the meaning of these symbols, voice is not clear, buffering हो रहा है,
mind media is going or going with pause. Here is no network issue. Voice is audible or not? Fellow said, how can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? Kali Yuga के समय में कौन शब्द को एक्शन से मैच कर सकता है? Kali Yuga में शब्द को everything is clearer than whatever problem. Now I understand just this passage. I will complete this passage and listen attentively. Only I will complete this passage. How can one miss Kali Yuga में words और actions में कैसे match हो सकता है? Ratna ran inside, overcome by shyness. Ratna जो है शर्माकर के अंदर चली गई. Ratna due to shyness, संकोच के कारण वो अंदर भाग गई. After a while, Ranga asked, who is that girl, Swami? समय के बाद में रंगा ने पूछा, स्वामी से पूछा, ये कौन थी? That girl, वो लड़की कौन है? Who is that inside? The lion wanted to know. The he goat who had taken shelter in the temple replied. मतलब अंदर कौन है? अब यहाँ पर देखो, रंगा के लिए lion का यूज किया गया है. Who is that inside? The lion wanted to know. उसको सी गोट कहा गया, रंगा को लायन कहा गया. लायन जानना चाहता था वो अंदर कौन है. द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल, कहता है कि मंदिर, ये जो टांट दूसरे इनडायरेक्ट वे में बात हो रही है, फिर मंदिर में रहने वाला जो ही गोट है वो बोलता है, Does it matter? Who? I am. इसका क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ? I am a poor animal. मैं एक गरीब बेचारा पशु हूँ. Who has already eaten 9 lions? जिसको पहले से ही 9 lions, जो पहले 9 शेरों को, मैं एक कमजोर पशु हूं जो पहले 9 शेरों को खा चुका हूं. मिस व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर, द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द टू. आई हैव वोट टू ईट 1 more. मैंने ये भी प्रतिज्ञा ली है कि एक को अभी और खाना है. टेल मी, आर यू मेल आर फीमेल? मुझे बताओ, आप मेल हैं या फीमेल? द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स. और ऐसा लगता है कि लायन जो है अपना स्थान भय के पीछे छोड़ देता है, भाग जाता है. लाइक द ही गोट आई सेड, What does it matter to either of us who sees? पता है कि बकरे की तरह मैंने कहा, हम दोनों में से प्रत्येक को क्या फर्क पड़ता है? Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who sees? I am already married. And you are not the marrying kind. कहता है कि मैं पहले से ही शादी कर चुका हूँ और तुम शादी करने के लायक नहीं हो.
ये कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है? Conversation is going on between the two. Can you tell? Very hopefully, बड़े आशा पूर्वक he asked, उसने पूछा, she is not married then? इसकी अभी शादी नहीं हुई है? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. उसकी जो voice है, उसकी voice उसे उसके excitement को धोखा नहीं दे सकती, but I knew it was there. परंतु मुझे पता था कि वो आतुर है देखने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए. She was married a year ago. कहता है उसकी शादी एक साल पहले हो चुकी थी. His face shriveled like a roasted brinjal. Shriveled means मालूम क्या होता है? Wrinkled. She was married a year ago. उसके एक वर्ष पहले शादी हो चुकी है. उसका चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह से. His face shriveled like a roasted brinjal. उसका जो चेहरा था, किसका चेहरा? His face shriveled. Shriveled means wrinkled. Wrinkle. Wrinkle तो जानते हैं ना, wrinkled. Shriveled means wrinkled brinjal, roasted brinjal. भुने हुए बैंगन की तरह से, cooked, पके हुए बैंगन की तरह से सिकुड़ गया था. After a while, Ranga left. Saying, I must go. I have work at home. और इसके बाद में रंगा कहता है कि मुझे जाना है, मुझे काम है. मतलब जैसे ही उसने ये सुना कि उसकी उस लड़की की एक वर्ष पहले शादी हो चुकी है ना, वैसे ही किस तरह से हो गया, रिंकल्ड उसके फेस पर आ गई. और किस तरह से रिंकल्ड आ गई? लाइक ए रोस्टेड पंजाल. यहाँ पर सिमली है, यहाँ पर देखो सिमली आ रहा है. His face shriveled like a roasted brinjal. एक roasted brinjal की तरह से सिकुड़ गया. फिर वो कहते हुए क्या है, मस्त को मुझे जाना है. I have work at home. मुझे घर पर काम है. I went to our Shastri the next morning and told him keep everything ready to read the stars. कौन Shastri के पास गया? Who went to Shastri and what is the meaning of Shastri here? Can you tell me? I went to our Shastri. Shastri मतलब पंडित है ना, जो मतलब कुंडली मिलाते हैं, विवाह बनाते हैं है ना, विवाह देखते हैं ये सब है ना, वो Shastri का मतलब है यहाँ पर. I went to our Shastri. I कौन है यहाँ पर? आई कौन है पता है? आई वेंट टू अवर Shastri द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम. मैं Shastri, आर्थर वेंट टू Shastri. यस, आर्थर Shastri के पास गया. कहता कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. अब ग्रह नक्षत्र मिलाने का समय आ गया है. ज्योतिषी यस, मिस एस्ट्रोलॉजर्स, मिस Arthur went to the astrologers and asked him that now the time has come to ready to read the stars. Star मैंने अब नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र मिलाने का समय आ चुका है. I will come later. मैं बाद में आऊँगा. I tutored him in all that I wanted him to say. कहता है कि आई ट्यूटर्ड. ट्यूटर मीन्स तो पता होता है, ट्यूटर्ड मीन्स पढ़ा दिया है. ट्यूटर्ड मीन्स टाट.
मिस मैंने सब कुछ उसे पढ़ा दिया है. आई ट्यूटर्ड मिस आई टॉट हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से. मैंने उसको सब कुछ पढ़ा दिया जो उसे जो मैं उसे कहना चाहता था. देखो एक उस सिचुएशन के से आंतर ने उसको जो है चेंज किया. रंगा कह रहा था मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है. ऐसी सिचुएशन आंतर ने क्रिएट की कि जब उसने कहा कि उस लड़की की शादी एक वर्ष पहले हो गई तो रोस्टेड बिंजाल की तरह से उसके फेस पर रिंकल आ गई थी. मतलब एक सिचुएशन से आथर ने उसको टीच कर दिया, ट्यूटर्ड पढ़ा दिया, वो सब कुछ पढ़ा दिया. आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून. कहता है मैं जब आफ्टरनून के बाद में जब रंगा से मैं मिला, व्हाट इज द मैटर यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट आई सेड. मैंने उससे कहा मैं जब दोपहर के बाद में उससे मिला मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया. इट्स नो चेंजेस. मतलब व्हाट इज मैटर. मैंने उससे कहा तुम बड़े खोए खोए रह रहे हो. आई सेड यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट. आर्थर आस्क्ड रंगा दैट मिस आई इट अपीयर्स दैट यू आर सिंकिंग इन थॉट. आप विचारों में डूबे हुए हो, विचारों में खोए हुए हो. व्हाट इज मैटर यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट. ऐसा लगता है इट अपीयर्स इट सीम दैट यू लॉस्ट इन थॉट. आप विचारों में खोए हुए हैं. आई सेड नथिंग नथिंग इज रॉन्ग बिलीव मी. कुछ नहीं कुछ नहीं, विश्वास करो मेरा. हेडेक कम लेट अस गो एंड सी ए डॉक्टर. उस सरदर्द का बहाना बताता है. आत्र कहता है तुम लगता है तुम विचारों में खोए हुए हो. तो वो क्या कहता है नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, उस पर विश्वास करो, सिरदर्द है, हेडेक है. तो वो कहता है आओ डॉक्टर के पास चलते हैं. सरदर्द है तो डॉक्टर के पास चलते हैं. तो आज यहीं तक रखा जाए. ओके काफ़ी लंबी लेसन है. हेलो मिस व्हाट एवर आई ट्यूटर्ड हियर व्हाट एवर आई टॉट हियर दैट इफ यू अटेंडेड द एंटायर क्लास नॉट गोइंग अटेंडिंग ये जाना और गोइंग एंड कमिंग का जो प्रोसेस है, जाना और आने का प्रोसेस है, यदि उसको अडॉप्ट नहीं किया होगा तो समझ में आ गया होगा. कुछ लोग तो आते जाते रहे, कुछ लोग अटेंडेंस लगवाने आए और इस ये मैं भेज रहा हूँ इसको जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में इसके भेज रहा हूँ. क्वेश्चंस भेज रहा हूँ आपको आंसर करने होते. ठीक है आपको मैं क्वेश्चन भेजूँगा, जो क्वेश्चन दूंगा उसके आपको आंसर आपको करने होंगे. इफ यू फॉलो दिस लेसन देन आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस व्हेन आई विल टेक वाइवा रिलेटेड दिस लेसन. इफ यू अटेंडेड दिस क्लास Undoubtedly, you will be able to answer up my question. If you not, then you will be unable to tell the answer. Okay, I stop my class here now, and I will complete the rest part of this lesson tomorrow.